उत्तर प्रदेश से रेलवे का चक्का नागपुर लाते वक्त करंची के पास अचानक चलते ट्रक को शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश लालगंज से नागपुर करंची होते हुए मद्रास चेन्नई जाते समय करंजी के पास दुर्वे के धावे के पास ट्रक में अचानक आग लग गई। इससे ट्रक क्रमांक AP07OO6345 पूरी तरह जल गया। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। इस समय ट्रक चालक शकील ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही हाईवे पुलिस सहायता केंद्र के पुलिस निरीक्षक नितिन कोयलावार मौके पर पहुंचे। घटना की गंभीरता को देखते हुए दोनों तरफ से यातायात रोक दिया गया। दमकल की गाड़ी बुलाई गई। दमकल की गाड़ी पहुंचने में आधा घंटा लग गया। तब तक ट्रक पूरी तरह जल चुका था। दमकल की गाड़ी से आग बुझाई गई। इस घटना के कारण करीब 1 से 1.5 घंटे तक यातायात बाधित रहा। आग बुझाने के बाद कारों को छोड़ा गया और यातायात सुचारू रूप से कार्यान्वित की गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।